हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। साथियों, आज एक नई रेसिपी के साथ फिर से हाजिर हैं। और साथियों, आज बनाते हैं पपीते की हेल्दी रेसिपी। पपीता हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है साथियों, कई प्रकार के रोगों में चलता है। और ये साथियों, इसकी सब्जी देखेंगे कैसे बनाएंगे, तो एकदम हेल्दी सब्जी। पपीते की बहुत सारी सब्जी आपने पहले भी कभी देखी होगी, तो इस प्रकार की सब्जी बिल्कुल जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती है और जो स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा लाभ देती है। तो साथियों, तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी मेथी, हींग और जीरा, और इसमें कुछ तेज़पत्ता, और इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, और इसके लिए थोड़ा सा ले लेंगे प्याज और अदरक, और साथियों हल्दी और पाउडर, मिर्ची का पाउडर, और ये इसमें ले लेंगे टमाटर और धनिया और मिर्ची, और इसके ले लेंगे साथियों थोड़ा सा गर्म मसाला। तो साथियों चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनाते हैं। और ये ले लिया एक पपीता साथियों, देख सकते हो आप। साथियों सबसे पहले इसके छिलके को बिल्कुल हम छील लेंगे बारीक बारीक तरीके से। इसके बाद जो ऊपर दाने दाने टाइप के दिखाई दे रहे हैं साथियों, इनको भी पूरी तरह से साफ़ कर लेंगे, एकदम क्लीन कर लेंगे साथियों। तो इसके बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे साथियों। तो गाइस, सभी मसालों को आपस में पीस लिया है। ये टमाटर वगैरह है, और ये नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, ये सभी को। और साथियों ये क्या नाम, लाल मिर्ची का कम ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। तो लाल मिर्ची की जगह हरी मिर्ची को ज़्यादा इस्तेमाल करिए आप। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। वैसे इसके बाद कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ले लेंगे। और साथियों इस कटे हुए पपीते को कुछ लोग सब्जी बनाने के लिए इसको तेल में तलते हैं पहले, फिर इसकी सब्जी बनाते हैं। तो साथियों ये स्वास्थ्य के लिए मुझे लगता है कुछ ज़्यादा लाभदायक नहीं हो सकती। हेल्दी सब्जी बनाना चाहते हो तो इसको तेल में ना तल के इसको ऐसे ही सब्जी बनाइए, जिस प्रकार से हम लौकी वगैरह की सब्जी बनाते हैं। तो ये साथियों हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगी साथियों। तो इसको हम तेल में नहीं तलेंगे, इसको हम हेल्दी सब्जी बनाने जा रहे हैं। जी, हमारा तेल गर्म हो चुका है, और इसमें डालेंगे हम ये तेज़पत्ता और मेथी और थोड़ा सा जीरा और हींग, ये डाल दिया है साथियों। इसके बाद डालते हैं साथियों इसमें मसाला। और साथियों इसको आपस में थोड़ा सा मिला लेंगे। इसका कलर थोड़ा सा बिल्कुल ब्राउन हो जाए तब तक इसको थोड़ा सा भूनेंगे, और स्वाद अनुसार इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे साथियों। और ये हमारा मसाला जो है वो भुन चुका है, इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है। साथियों ये कटे हुए पपीते इसमें डाल देंगे और उसको थोड़ा सा फ्राई कर देंगे। साथियों ध्यान रहे, इस प्रकार की सब्जी जो है वो हेल्दी होगी, अगर इसको तेल में आप पकाओगे तो ये हेल्दी नहीं होगी। और थोड़ा सा इसको आपस में मिला लेंगे साथियों, ताकि इसकी जो मसाला है वो इसमें अच्छी तरह से चिपक जाए। और साथियों इसको केवल 2 मिनट के लिए थोड़ा सा इसको ढक के इसको छोड़ देंगे साथियों, ताकि ये है ना थोड़ा सा पक जाए। और साथियों 2 मिनट के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, इसमें करीब 1 गिलास पानी ऐड कर दिया हैगा। साथियों पानी ऐड करने के बाद इसको फिर से ढक देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। साथियों ये हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हो ये पूरी तरह पक चुकी है। तो साथियों इसमें हम डालेंगे ये टमाटर का जो पेस्ट बनाया था वो पेस्ट इसमें डाल देंगे, और इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे साथियों, और ये हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गर्म मसाला, मैंने एवरेस्ट का गर्म मसाला यूज किया है, जो कि बहुत बढ़िया गर्म मसाला है। तो साथियों ये हमारी सब्जी बनकर तैयार है, और ये बिल्कुल हेल्दी सब्जी इसको कहा जा सकता है। इसमें लाल मिर्ची बहुत कम यूज़ करी है, और इसमें कड़ी पत्ता वगैरह है, और इसमें तुलसी का पत्ता मैंने यूज़ किया है। तो साथियों ये डेंगू वगैरह के रोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। और इस तो साथियों इस प्रकार की ये रेसिपी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, और अगर इसमें कोई दिक्कत परेशानी हो तो इसमें कमेंट करिए। और इस प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए साथियों मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस प्रकार की कुछ और वीडियो भी बनाऊं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।